हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह स्पोर्ट ट्रेनिंग का पार्ट टू वीडियो है। जैसे कि एल्टीग्रेड 2024 उत्तराखंड का 18 अगस्त को एग्जाम है। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। मैं जल्द से जल्द जो भी बचा हुआ है पूरी कोशिश करूंगी पूरा करने की, बट आप अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और वीडियो भी देखते रहिए। और जैसे ही 18 अगस्त पूरा होता है, मैं MP और UP TGT के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊँगी। और दोस्तों, जैसा कि और लोगों का कहना था कि इंग्लिश में भी लाइए, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेगा 18 अगस्त के बाद। आप 1% टेंशन ना लीजिए, सभी चीज़ें कंप्लीट कराया जाएगा। और जितने भी ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग चैप्टर के। जितने भी थ्योरी सेशन है मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो दोस्तों 1-1.5 घंटा का हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे से क्वेश्चन या इजी से इजी क्वेश्चन, एक नंबर भी आपका सिलेक्शन रुकाता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से व्यक्ति का विकास करना, यानी कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सभी प्रकार से, यानी कि व्यक्ति का बहुमुखी विकास। यहाँ पे बहुमुखी व्यक्तित्व विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुआ था 1954 में कोलकाता में हुआ था। विद्यालय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 104 है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना है। तो किसी भी चीज़ को जो बुनियादी सिद्धांत है हम आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों की कितना जानकारी है, और फिर जानकारी से हम टॉपिक उठाते हैं, जानकारी से अनभिज्ञता की ओर जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानकारी से अनभिज्ञता की ओर किया जाता है, जिसे लोग जानते हैं और फिर धीरे धीरे नए ज्ञान तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो भी होगा, जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल टीचर होगा वही रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका सुविधाएं, स्कूल टैग, पाठ्यक्रम, सिलेबस से ज़्यादा शिक्षकों का जो व्यक्तित्व होता है वह निभाता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने मौजूद गुण का स्थानांतरण करता है, अथवा विभिन्न विधियों की सहायता से अपने ज्ञान को विद्यार्थियों को समझाने या देने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कमांड देते हैं, बच्चे देखते हैं, फिर उसके अनुसार करते हैं। जैसे हो गया मार्च फास्ट, PT, ये सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं, कमांड प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब प्रत्येक दस्ते में जो कमांड देने वाला होता है दस्ते से आगे चलता है, और उसी के द्वारा दिए गए कमांड पर दस्ता दाहिने मुड़, बाएं मुड़ और सलामी देने जैसे अन्य कार्रवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कमांड विधि का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे आप किस में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मार्चिंग में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है, कक्षा 2 के बच्चों को PT सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, कक्षा 2 के बच्चे यानी कि बच्चे जो है देख कर सीखते हैं, तो हम उसमें अनुकरण विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का, अनुकरण विधि का। हम वहाँ पे आदेश देंगे, करके दिखाएंगे, और बच्चे उसको देख करके करेंगे। कक्षा 2 के बच्चों को अनुकरण विधि का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित खेल गतिविधियों में से किसमें अग्रक्रॉस रूपी स्नायु अक्सर घायल होता है। तो दोस्तों, अग्रक्रॉस रूपी स्नायु जो है मानव शरीर में घुटने के अग्रभाग में स्थित होता है प्रमुख। ठीक है, ये जो अग्रक्रॉस रूपी
इचना यानी कि एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। यह मानव शरीर में घुटने के अग्र भाग में स्थित प्रमुख स्नायु है और यह फुटबॉल खेल में इस स्नायु को चोटिल होने की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 111 है कि हैमस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तोलक यानी लीवर जो है तीन प्रकार का होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय प्रकार का। प्रथम प्रकार के लीवर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसका जो मैं एक ट्रिक बताई थी FAR312, ठीक है। तो यानी कि जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें एक्सिस बीच में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स यानी बल बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक जिसमें एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के, जिसमें हमारे बॉडी में एग्जाम्पल होता है एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यानी कि अग्र बाह को फैलाना एंड एंकल फ्लेक्शन, सिर का आगे व पीछे झुकाना एंड अटलांटो फर्स्टिकाल अस्थि संधि, वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सीटअप। याद रखिएगा सीटअप करेगा तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा और वी सीटअप होगा तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक जैसे कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक को हम संतुलन का लीवर कहते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर कहते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक जो बल का लीवर होता है इसमें फोर रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के, और इसमें जो है हमारे बॉडी में एग्जाम्पल होता है प्लांटर फ्लेक्शन, पंजे के ऊपर की ओर उठाना होता है, ठीक है, एंड प्लांटर फ्लेक्शन, पुशअप लगाना, जबड़े का खुलना बंद होना, एंड बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना, ये सभी चीज़ें द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आती हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जिसे गति का लीवर कहा जाता है जिसमें फोर्स बीच में होता है यानी बल बीच में, जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसका बॉडी में एग्जाम्पल है आर्म फ्लेक्शन। आर्म एक्सटेंशन कहेगा तो प्रथम प्रकार का, लेकिन आर्म फ्लेक्शन, थाई फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, सीटअप, हाथ को ऊपर उठाना, ये सभी चीज़ें तृतीय प्रकार के उत्तोलक में हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप तीनों उत्तोलक के मैं एग्जाम्पल बता दी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सीटअप जो है वह प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, सीटअप जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, जो पुशअप है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। अभी जस्ट में सभी तीनों का जो है एग्जाम्पल बताई थी। क्वेश्चन नंबर 113 है कि द्वितीय प्रकार के लीवर में के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तभी मैं जस्ट बताई आपको कि FAR 312, तो दो के नीचे ऊपर कौन है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में रहेगा, रेसिस्टेंस यानी भार बीच में रहेगा एक्सिस और फोर्स के। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि यहाँ पे केवल एक राइट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आलम्ब यानी कि जो फलक्रम होता है एक्सिस एंड बल यानी फोर्स के मध्य रेसिस्टेंस स्थित होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है, शॉर्ट पुट में यानी गोला फेंक में उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो शॉर्ट पुट में यानी उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, तो शॉर्ट पुट दोस्तों अधिकतम शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा एंड विस्फोटक शक्ति के अंतर्गत कुल शारीरिक बल इसमें लगाया जाता है, यानी कि अपनी पूरी शक्ति लगाया जाता है, यहाँ पे कुल शारीरिक बल आपका राइट आंसर होगा। शॉर्ट पुट पर यदि संपूर्ण शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है तो वह उच्चतम गति यानी कि अधिकतम दूरी तय करता है।
क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? तो एक एक ऑप्शन का डिस्क्राइब करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है कौन दोस्तों? पुल ऑफ, डिप्स, पुशअप, ये तीनों के तीनों स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित हैं, जबकि शटल रन स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है। यह मल्टी स्टेज फिटनेस टेस्ट है जो एजिलिटी एंड गति सहनशीलता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस प्रकार का प्रशिक्षण यानी वर्कआउट मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? तो दोस्तों मांसपेशी की जब भी बात आए तो अगर एनएरोबिक एरोबिक दिया रहेगा तो उसमें एनएरोबिक राइट होगा, स्ट्रेंथ दिया रहेगा, एंड्योरेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा तो उसमें स्ट्रेंथ आकर राइट होगा। तो दोस्तों स्ट्रेंथ यानी जो अनएरोबिक क्रियाएं होती हैं हाई इंटेंसिटी की होती हैं, उसमें आपका मसल्स जो है आकार आकृति मसल्स की शक्ति को बढ़ाता है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस प्रकार के विकास के कारण वर्धित पेशी मांस तथा बल का परिणाम सामने आता है? तो फिर यहाँ पे पेशी की बात कहा है, तो पेशियों की बात आते ही आप स्ट्रेंथ पर जाएंगे याद रखिएगा, और सहनशीलता की बात आने पर आप थकान और लंबे समय की पॉइंट याद रखिएगा। मांसपेशी जब भी बात आएगा तो स्ट्रेंथ या अनएरोबिक राइट होगा, जब भी सहनशीलता यानी एंड्योरेंस का बात आएगा तो उसमें की पॉइंट रहेगा आपका लंबा समय और लो इंटेंसिटी यानी कि कम तीव्रता और थकान, ये तीनों चीज़ों को एंड्योरेंस में याद रखिएगा। यहाँ पे किस प्रकार के विकास के कारण वर्धित पेशी मांस तथा बल का परिणाम सामने आता है? तो उसमें बल प्रशिक्षण आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का मापन करता है? तो दोस्तों जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी कि हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का मतलब होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के अंतर्गत हमारा 1.5 मील रन वॉक, 600 यार्ड रन वॉक, 9 मिनट रन वॉक, 1 मील रन वॉक, 12 मिनट रन वॉक, ठीक है, एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, टोटल पल्स रेटियो टेस्ट, VO2 मैक्स एनालाइजर, ये सभी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे टोटल पल्स रेटियो टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, रन वॉक परीक्षण, ये सभी के सभी जो हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी कि हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का भी मापन करता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में ल्यूसीन ब्रुहा के द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में के स्टूडेंट पर सबसे पहले प्रयोग किया गया और इसको बनाया गया, तो 1943 में ल्यूसीन ब्रुहा ने इसको बनाया था। यह कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी कि हृदय वाहिका क्षमता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विकसित किया था, तो इसको विकसित किया था ल्यूसीन ब्रुहा ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुहा तथा अन्य द्वारा, 120 का डी। दोस्तों हार्वर्ड स्टेप परीक्षा के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो स्पोर्ट ट्रेनिंग या आप टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाएगा। टोटल पल्स रेटियो टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, आपर टेस्ट, सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 121 है, हृदय संवहन क्षमता निर्धारण करने वाले परीक्षा का नाम बताइए। यहाँ पे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को निर्धारित करने वाले परीक्षा का नाम बताना है आपको। यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कूपर टेस्ट, कूपर जो एच कूपर ने दोस्तों 12 मिनट रन वॉक बनाया था 1970 में जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापता था, एंड 1982 में कूपर ने बनाया था 12 मिनट स्विमिंग, 12 मिनट साइकिलिंग, 12 मिनट जॉगिंग जो एरोबिक क्षमता को मापता था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही गलत बनाया हुआ है, तो बेंच टेस्ट और स्ट्रेंथ को मापेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और कूपर टेस्ट दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 123 है,
कि लचक की माप हेतु किया जाने वाला परीक्षण है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रूलर ड्रॉप टेस्ट रिएक्शन टाइम को मापता है, मेडिसिन बॉल थ्रो जो है हमारे कंधों की विस्फोटक क्षमता को मापता है हाथों की, तो यहाँ पे टीची टेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। टीची टेस्ट किसको मेजर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। और यह पीठ के निचले हिस्से और हेमस्ट्रिंग मसल्स के लचीलेपन की माप करता है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का क्रियाकलाप आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की शारीरिक दक्षता और आवश्यकता कैसी है, क्या उसकी क्षमता है और क्या आवश्यकता है। डायरेक्ट आप अप्लाई या क्रिया नहीं कराने लगेंगे, पहले बच्चों की क्षमताओं को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है कि लोकप्रिय हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो कि एरोबिक एन एरोबिक क्षमता को मापता है प्रारंभ में बनाया गया था। तो प्रारंभ में ये लड़कों के लिए बनाया गया था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट प्रारंभ में किसके लिए बनाया गया था? लड़कों के लिए। क्वेश्चन नंबर 126 है किस प्रकार के परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़कियों एवं लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों कौशल परीक्षण कर रहे हैं, स्किल परीक्षण तो भी आवश्यक है, फिटनेस परीक्षण कर रहे हैं तो भी लड़के लड़कियों की अंतर देखना आवश्यक है, एथलेटिक परीक्षण में भी आवश्यक है, लेकिन बुद्धि परीक्षण में लड़के लड़कियों का अंतर देखना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें कोई खास अंतर नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 127 है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग जो गोलाकार प्रशिक्षण होता है वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है, जिसकी खोज 1957 में एडमसन मॉर्गन ने किया था। यह मांसपेशियों की सहन शक्ति, गति, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, लचक, कार्डियोवैस्कुलर धैर्य का विकास करता है तथा चाल शक्ति और धैर्य के विकास में सर्किट ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के विकास में, शक्ति सहनशीलता के विकास में ये प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है बल सहन शक्ति यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे प्लायोमेट्रिक जो है विस्फोटक शक्ति को मापता है, कैलिस्थेनिक एरोबिक क्षमता को मापता है, तो यहाँ पे 128 का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आपका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस यानी शक्ति और सहनशीलता दोनों विकसित होती है, तो पर्वत धावन हिल रनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिल रनिंग अर्थात पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते समय अधिक बल लगाना पड़ता है जिसे हेमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मांसपेशी को बलशाली, सहनशक्तिशील और मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। जो भी पॉइंट है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेडमिल जो है राइट आंसर होगा, ट्रेडमिल जो है सहन शक्ति को परीक्षा के लिए होता है। इसके परीक्षा के लिए डॉक्टर केनेथ कूपर द्वारा सर्वप्रथम एक्सरसाइज एरोबिक के रूप में ट्रेडमिल का प्रयोग किया गया। तो इसको भी ट्रेडमिल को भी सबसे पहले कूपर एवं विलियम स्टब ने सर्वप्रथम होम एक्सरसाइज के रूप में एरोबिक के रूप में ट्रेडमिल का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है ट्रेडमिल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो अभी जस्ट आपने देखा एरोबिक क्षमता सहन शक्ति को मापने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दौड़ में किया गया कार्य, 130 का राइट आंसर हो जाएगा दौड़ में किया गया कार्य मापने के लिए किया जाता है। इसका नियमित उपयोग करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, रक्त दाब कम करने व हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है यह और अधिक उन्नत प्रकार का लचक प्रशिक्षण है जिसमें लक्षित मांसपेशी समूह का खिंचाव और संकुचन दोनों शामिल होता है, यह कथन संबंधित है। दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे यह संबंधित है स्वांतरग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण से, यानी कि यह फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है जिसमें से फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधियां हैं बैलेस्टिक स्टैटिक डायनेमिक पीएनएफ मेथड। तो यहाँ पे आपका पीएनएफ मेथड यानी कि पीएनएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, इसको हम कहेंगे हिंदी में स्वांतरग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण।
ठीक है, जिसमें लक्षित पेशी समूह का खिंचाव और संकुचन दोनों शामिल होता है। और यह जो होता है पीएनएफ मेथड, वह यह उच्च स्तर के खिलाड़ी द्वारा लचीलापन हासिल करने में प्रयोग होता है, जिसमें अधिकतम पेशी शीतलन हासिल करने के एक प्रयास में इसे खींचने से पहले पेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। देख रहे हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, खिंचाव और संकुचन दोनों शामिल होता है। तो इस चीज़ को की पॉइंट को याद रखिएगा, ताकि पेशी को अधिक से अधिक शिथिल किया जा सके, या पेशी की रिसेप्टर ऑर्गन तथा गतिविधियों के रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि शरीर पर नियंत्रण तनाव और नियंत्रण अधिभार का परिणाम क्या होता है। दोस्तों लगातार आप में तनाव है, नियंत्रण अधिभार अधिक भार ओवरलोड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थकावट और चोट उत्पन्न होगा। ठीक है, थकावट और चोट उत्पन्न होने की संभावना होती है, इसमें खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि का एक घटक है, यानी कि फिटनेस का एक घटक है, यानी कि मस्क्यूलर एंड्योरेंस जो है पुष्टि का, यानी ये तो हेल्थ एंड्योरेंस का एक घटक है। इनमें से कौन सा मांसपेशी सहन क्षमता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों मैं अभी जस्ट आपको एक की पॉइंट बताई थी कि सहन क्षमता का याद आते ही, सहन क्षमता शब्द आते ही तीन चीज़ें याद रखिएगा, एक लंबा समय या और कम इंटेंसिटी यानी कि लो इंटेंसिटी यानी कि कम तीव्रता और थकान। तो यहाँ भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 133 का, थके बिना, ठीक है, बिना थके पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आसन है भार उठाने में सक्षम होना, ये स्ट्रेंथ को मांसपेशियों को मेजर कर रहा है। एक छोटी दूरी तेजी से दौड़ना, ये भी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। समय की एक लंबी अवधि के लिए सीधी टांगों से अपने पैरों की उंगलियों को छूने में सक्षम होना, तो ये आपका अच्छा बात नहीं है। तो यहाँ पे थके बिना, बिना थके पुनरावृत्ति कार्य को करने में सक्षम होना मांसपेशी सहन क्षमता का अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे सी भी आपका उसका एग्जांपल हो जाएगा, बट सबसे अच्छा एग्जांपल है थके बिना पुनरावृत्ति कार्य को पूरा करने में सक्षम होना। क्वेश्चन नंबर 134 है, शिक्षा में खेल विधि प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यह कार्ल वेल कुक को माना जाता है, जबकि जो आपका किंडरगार्टन पद्धति था वो लाए थे फ्रॉवेल ने। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप जानते हैं आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक जो होता है जिसमें कोई गति नहीं होती है, सेम लंबाई होती है और नो मोमेंट होता है, कोई मोमेंट नहीं होता, जैसे कि दीवार को धक्का मारना। आइसोटोनिक मतलब आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है, पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है। दो प्रकार के इसमें होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, जैसे आप डंबल अभ्यास कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो मसल्स कंट्रैक्ट हो रही है, जिसमें कोर में कमी आ रही है, तो इसको कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कहेंगे। जब नीचे की तरफ ला रहे हैं तो मांसपेशियों की लंबाई बढ़ रही है, तो इसेंट्रिक आइसोटोनिक प्रशिक्षण होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है खड़े होकर दीवार को पुश करना, ये आपका आइसोमेट्रिक के अंतर्गत आ जाएगा। राइफल पकड़ना, रोमन पकड़ना, ये सभी आइसोमेट्रिक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग जो होगा ये आइसोटोनिक के अंतर्गत आएगा, वेट ट्रेनिंग जो है आइसोटोनिक के अंतर्गत आएगा। आइसोटोनिक के अंतर्गत जो है कलेसनी व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, कूदना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बाल के साथ आदि आइसोटोनिक व्यायाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, सबल्य व्यायाम का दूसरा नाम क्या है, यानी कि बल सहित। ठीक है, तो इसको हम गतिशील व्यायाम कहेंगे। सबल्य व्यायाम को हम क्या करेंगे, गतिशील व्यायाम, यानी आइसोटोनिक एक्सरसाइज का ही दूसरा नाम है सबल्य व्यायाम, या गतिशील व्यायाम, या डायनेमिक एक्सरसाइज। ठीक है, स्टैटिक एक्सरसाइज के अंतर्गत आपका आइसोटोनिक आ जाएगा, डायनामिक यानी गतिशील के अंतर्गत आइसोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितना होता है।
जब आप बांह को बगल में उठाते हैं तो वो आपका एडक्शन हो जाता है, और बगल में बराबर कंधे के बराबर के अलावा ऊपर उठाते हैं सीधे तो वो आपका हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, जिसका कोण होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 138 है, कि सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं एथलीट की खुराक में, ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कार्बोहाइड्रेट से ही हमको प्रचुर ऊर्जा मिलती है। तो एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 65 होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर खासकर दिमाग की तंतु प्रणाली को ऊर्जा या ताकत प्रदान करता है, ठीक है। तो एक एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए 60 से 65% एंड प्रोटीन 10 से 15% 15 से 20% एंड जो वसा होता है 25 से 30%। क्वेश्चन नंबर 39 है, कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना आवश्यक है, वित्तीय सुविधाएं भी आवश्यक है एंड शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य भी आवश्यक है, बस धार्मिक आधार यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता, आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 है, कि मानव शरीर की शारीरिक बनावट से संबंधित एक शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर की शारीरिक बनावट से संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रम को शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका है। तो वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और अच्छा उपयुक्त तरीका है कौन सा दोस्तों, कि समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना। क्योंकि दोस्तों आवश्यकता अनुसार भोजन, कसरत और व्यायाम वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और उपयुक्त तरीका है। व्यायाम करने से रक्त प्रवाह, हृदय धड़कन दर सामान्य होता है, कोलेस्ट्रॉल आयतन में कमी होती है, कोशिकाओं की संख्या और कुशलता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। सभी लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए आपको शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा से फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सही प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, शारीरिक शिक्षा का अंग है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 145 है, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा यह है कि लोग जो है व्यायाम को ही खाली शारीरिक शिक्षा समझते हैं, लोग सोचते हैं कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, लेकिन ऐसा गलत है। यह व्यायाम ही नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार के विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, कि शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। तो अंगों के विकास के लिए जो है शारीरिक शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रतियोगी खेलों से प्राप्त लाभ क्या होता है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव खेल होते हैं उससे क्या लाभ होता है दोस्तों, उससे खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होते हैं और खिलाड़ियों को कमजोरी क्या है उसको जानने में सहायता मिलती है, खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में सहायता मिलती है, ठीक है। तो कंपटीशन होता है तो हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है और इसमें क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या तकनीकी कौशल का विकास इसमें करना आवश्यक है, तो ये सभी चीज़ें इससे पता चलती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, कि शारीरिक शिक्षा का ध्येय यानी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जानते हैं दोस्तों आपका ये मनुष्य की सर्वांगीण, मनुष्य के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 149 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 150 है, कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है तो क्या है, व्यक्तित्व का
संपूर्ण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 151 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या है उद्देश्य? शारीरिक कौशल का विकास करना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार आपको सोच के आंसर देना है। तो अभी इसमें सर्वांगी विकास नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शारीरिक कौशल स्किल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 152 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पे सर्वांगी विकास आपका राइट आंसर होगा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यहाँ पे सर्वांगी विकास में सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है, जबकि शिक्षा में केवल मानसिक विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों में एक साझा लक्ष्य क्या है, सिमिलर क्या है? तो मानसिक विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण शामिल है। तो दोस्तों, ब्लूम ने नया दृष्टिकोण लाया था जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र, मनोचालक क्षेत्र यानी कि साइकोमोटर क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र यानी इफेक्टिव क्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव, संज्ञानात्मक, मनोचालक और प्रभावी क्षेत्र, ये सभी चीज़ें जो हैं एक शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में एक नया दृष्टिकोण शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 155 है, क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है। तो खेल प्रबंथन मैनेजमेंट प्रभावी बातचीत इसलिए आवश्यक है कि उसकी गतिशीलता बना रहे, लोकशीलता बना रहे। क्वेश्चन नंबर 156 है कि कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि जो है फिजिकल एजुकेशन में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस विधि में अध्यापक सारी क्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन करके उन्हें विद्यार्थियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है। और प्रदर्शन जितना स्पष्ट और आकर्षक होगा, विद्यार्थी उतना ही उससे प्रभावित होंगे और शारीरिक शिक्षा क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न होंगी। क्वेश्चन नंबर 157 है कि निम्न में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है। तो कौन है? प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 158 है, कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है, जो कक्षा मैनेजमेंट होता है प्रबंधन, किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यह पढ़ाने वाली विषय वस्तु के प्रकार पर निर्भर करता है, कौन सा विषय वस्तु है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसमें छात्र और अध्यापक का समन्वय स्थापित करके कक्षा प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 है कि शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, शिक्षण की प्रभावशीलता का जो निर्धारण है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 है, भौतिक शिक्षा वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक में एक बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए, अच्छा ज्ञानवान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 161 है कि शिक्षण विधियों की तुलना में शिक्षण तकनीकी अधिक लचीली होती है और वे अलग अलग होती है। जो शिक्षण विधि होती है उसकी तुलना में जो शिक्षण तकनीक है वो यदि अधिक लचीली होती है, वे अलग अलग होती हैं। तो ये अलग अलग शिक्षक से शिक्षक तक, यानी ये हर एक शिक्षक में अलग अलग होती है। तो शिक्षक से शिक्षक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अलग अलग शिक्षकों द्वारा अलग अलग शिक्षण तकनीक प्रयोग किया जाता है, याद रखिए, लेकिन विधि वही रहेगा, लेकिन उसी विधि को अलग अलग टेक्निक से पढ़ाएगा, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 162 है कि जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नार्ड बेस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम था। तो दोस्तों, उसका नाम था फिलेंथ्रोपिनम। जर्मनी में ये जो है जान बर्नार्ड बेस्डो जो है जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह हैं। इन्होंने ये स्वच्छंद विचारवादी थे और 1774 में बेस्डो ने डेसू नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला खोली जिसका नाम फिलेंथ्रोपिनम था। आधुनिक यूरोप में ऐसी संस्था अपने ढंग की प्रथम संस्था थी। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह है जान बर्नार्ड बेस्डो। जर्मनी के जिम्नास्टिक के पितामह है गर्समर्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है
यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कोचिंग कहा जाता है, जैसे कि घटना चक्र में कोचिंग ऑप्शन राइट दिया हुआ है, जबकि कहीं अन्य बुक में जो है इसको इग्रूविंग द स्ट्रोक दिया गया है। क्या राइट होगा ये डिस्कस करके आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि यहाँ को बुक में इसका आंसर कोचिंग दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था बिंटम बॉटम ने, यानी दबाव प्रशिक्षण का। क्वेश्चन नंबर 165 है, शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? दोस्तों किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो वो एक कल्पना शक्ति का यानी मॉडल जो है, किसी भी चीज़ का मॉडल। क्वेश्चन नंबर 166 है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है थरूर विद्या के प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। यह भारत में स्थापित विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 167 है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1932 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 168 है, स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 169 है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? दोस्तों तो NCTE के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। इसका NCTE का जो मुख्यालय है जयपुर राजस्थान है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? तो दोस्तों पेनी कप टेस्ट जो है सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन का जो है मूल्यांकन करता है। पेनी कप टेस्ट जो है वो नॉक द बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत आता है, जैसा कि आपका बास्केटबॉल स्किल टेस्ट के अंतर्गत जो है स्किल टेस्ट आते हैं, जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक बास्केटबॉल टेस्ट, स्ट्रॉक बास्केटबॉल टेस्ट एंड हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट। इसमें से जो जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट होता है 1934 में बनाया गया एम विलियम जोहानसन के द्वारा, और इसमें जो है तीन टेस्ट आइटम थे, जोहानसन फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट। दूसरा था नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट जो 1947 में रॉबर्ट डी नॉक्स द्वारा बनाया गया। नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत चार टेस्ट आइटम हैं, स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल टेस्ट, पेनी कप टेस्ट। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि पेनी कप टेस्ट किस स्किल टेस्ट के अंतर्गत आता है, तो बास्केटबॉल के नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 171 है कि निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता? यहाँ पे पूछा क्या है, नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो है सीटअप, यहाँ जिसअप लिखा गया है, सीटअप जो है वो मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापता है, पेट की मांसपेशी को। तो ये किया जाएगा, फ्लैक्स आर्म हैंग भी है, एंड यहाँ पे 12 मीटर दौड़ना और चलना नहीं है, ये सहनशीलता को डेवलप करता है, मांसपेशियों की सहन शक्ति को नहीं, यहाँ पे ये सीधे एरोबिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल है? तो दोस्तों जो फुटबॉल यानी सॉकर टेस्ट के अंतर्गत मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, जोहानसन सॉकर टेस्ट एंड क्रेव सॉकर टेस्ट आता है। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट जो 1951 में लियो जी एम डी मैकडोनाल्ड ने बनाया था विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए सर्वप्रथम, और इसमें किकिंग और बॉलिंग एबिलिटी को मापा जाता है। इसमें बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन से बिना गिरे मारना होता है। सभी स्किल टेस्ट के बारे में आपको जानना है तो टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूएशन के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 173 है
कि शारीरिक शक्ति को मापने की सबसे आसान विधि जो समानता शारीरिक क्षमता परीक्षण में शामिल होती है वह कौन सी है दोस्तों? शारीरिक शक्ति की बात कर रहा है तो यहाँ पे शारीरिक शक्ति की बात कर रहा है, सहनशीलता की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है शारीरिक शक्ति को मापने की सबसे आसान विधि की बात कर रहा है तो वह है पुलअप व्यायाम। कौन सा है? पुलअप व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 174 है कि सहन शक्ति विकास की एक विधि के रूप में जिसमें गति या चाल पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती, ये की पॉइंट आपका आ गया कि जो नॉट प्रॉपर प्लानिंग जिसे पहले से योजना नहीं बनाई जाती वो फाटलिक प्रशिक्षण होता है, और जिसमें से पूरी योजना के तरीके पहले की योजना के अनुसार किया जाता है वो आपका रिलेबल मेथड होता है। जैसे कि सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधियां होती हैं, कंटिन्यूअस मेथड, रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड, रिलेबल पेस मेथड। तो जो हमारा सहनशीलता जो हमारा सहनशीलता डेवलप करने की विधि होती है वो भी चार प्रकार की होती है, कंटिन्यूअस मेथड भी, स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस, फाटलिक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड। तो दोस्तों जो वेरिएबल पेस मेथड होता है यानी कि जो हमारा सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधि कौन कौन सी होती है, कंटिन्यूअस, इंटरवल, रिपीटेशन, कंपटीशन। एंड कंटिन्यूअस मेथड भी चार प्रकार का होता है, स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस, फाटलिक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड। जिसमें से वेरिएबल पेस मेथड जो होता है पहले से योजना यानी कि पहले की प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है, जबकि जो आपका फाटलिक ट्रेनिंग मेथड होता है पूर्व नियोजित ढंग से नहीं किया जाता है। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि गति या चाल पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती, इसलिए यह शक्ति या व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वह आसपास के माहौल के अनुसार चाल बदले, तथा यह विधि हृदय और फेफड़ों की क्षमता पर आधारित होती है यानी सहनशीलता को डेवलप करती है। यह कौन सी विधि है? यह फाटलिक विधि है। जैसा कि जानते हैं फाटलिक विधि को 1937 में गोस्टाव होमलर ने किया था। यह एंड्योरेंस डेवलप करता है, और यह फाटलिक शब्द स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले। यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है यानी कि इसमें जो गति होती है अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, इसलिए इसको स्पीड प्ले या विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 175 है कि फाटलिक जिसका अर्थ है स्प्लिट प्ले किसका रूपांतरण है? तो यह एक सी चाल विधि यानी कि लगातार सहनशीलता को डेवलप करता है। तो एक सी चाल विधि पेस रेस का उदाहरण है, ठीक है। पेस ऑफ फाटलिक ट्रेनिंग, इसमें फाटलिक पद्धति के प्रशिक्षण में दो फेज होते हैं, फास्टर फेज एंड स्लोअर फेज। क्वेश्चन नंबर 176 है कि फाटलिक प्रशिक्षण का संबंध है, तो जस्ट अभी बताई हूँ वो हमारा सहनशीलता डेवलप करता है फाटलिक प्रशिक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमखम यानी कि एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 177 है कि फाटलिक शरीर में विकसित करता है, तो क्या करता है? सहनशीलता यानी एंड्योरेंस को। क्वेश्चन नंबर 178 है स्पीड प्ले का संबंध है, किससे है दोस्तों? सबको पता है फाटलिक ट्रेनिंग से। क्वेश्चन नंबर 179 है फाटलिक प्रशिक्षण बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 180 है मानव शरीर में फाटलिक विकसित होती है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, तो यहाँ पे क्षमता से यहाँ पे एंड्योरेंस दिया रहेगा, यहाँ पे ताकत का मतलब है स्ट्रेंथ, क्षमता का मतलब है एंड्योरेंस यानी सहनशीलता, तो क्षमता का डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 181 है कि मांसपेशी सहन क्षमता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सहन क्षमता आते ही तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक ज़्यादा यानी लंबा समय, और बिना थकान के, और कम इंटेंसिटी यानी कि कम तीव्रता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी, वह मांसपेशियों का थके बिना लंबे समय के लिए काम करने की क्षमता है, मांसपेशी सहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 182 है शटल रन से परखी जाती है, शटल रन से स्फूर्ति यानी कि एजिलिटी परखी जाती है,
लेकिन यहाँ पे माना गया है गति सहन शक्ति, तो स्फूर्ति और गति सहन शक्ति दोनों चीज़ें यहाँ पे मेजर मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मानेंगे तो आपका स्फूर्ति भी राइट आंसर हो जाएगा, गति सहन शक्ति भी। तो यहाँ पे सटल रन से आपका स्फूर्ति आपका ज़्यादा राइट आंसर होगा, जबकि किताब में गति सहन शक्ति दिया हुआ है। आप बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हम प्रशिक्षण करते हैं, जितना हमको ऑक्सीजन होता है, जितना हमारे पास एटीपी रहता है, ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने हो जाने के बाद जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, उतना जस्ट नहीं मिल पाता है, जिससे लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। बिना ऑक्सीजन के जो ऊर्जा बनने की संभावना होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे हमारी बॉडी में थकान होती है। और कुछ देर हम आराम करते हैं, जैसे ही आराम करते हैं जो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है ऊर्जा बनाने में होने लगती है, जिससे पुनः ऊर्जा बन जाता है और पुनः थकान मिट जाता है, पुनः हम कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान थकान का आभास किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 184 है, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है, तो लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 185 है, शारीरिक शिक्षा क्या है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा एक शारीरिक प्रशिक्षण है, यहाँ पे शारीरिक विकास, शारीरिक निष्पादन, यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया गया है। शारीरिक शिक्षा क्या है, एक शारीरिक प्रशिक्षण है, शारीरिक निष्पादन भी है, शारीरिक विकास भी है। तो यहाँ पे शारीरिक प्रशिक्षण ज़्यादा अच्छा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो गतिशीलता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, किसी जोड़ के चारों ओर संभावित संचालन या परास रेंज को क्या कहते हैं, तो उसे हम लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, जहाँ पर जोड़ की बात आएगी दोस्तों, वहाँ पे हमेशा लचीलापन आपका राइट आंसर होगा। लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा, तो योगासन सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 188 है, लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम कौन से हैं, तो हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, कंधे, ये सभी मसल्स जो है खींचने वाले मसल्स होते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए सभी। क्वेश्चन नंबर 189 है कि लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है, तो योग बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ भी लचीलापन की बात आएगा वहाँ पे योग आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग, व्यायाम और योग जो है उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 190 है कि साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास एक उत्कृष्ट विधि है, तो साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास जो है एक उत्कृष्ट विधि है। तो स्ट्रेचिंग का नाम आते ही आपका लचीलेपन से संबंध जोड़ देना है, ये की पॉइंट याद रखिएगा। स्ट्रेचिंग, लचीलापन, लचीलापन, स्ट्रेचिंग, इसको बढ़ाने की योगासन सबसे बेस्ट होता है। जोड़ का नाम सुनते ही आप लचीलापन पे चले जाएंगे। तो यह लंबे समय तक लचीला बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग अभ्यास उत्कृष्ट विधि है। क्वेश्चन नंबर 191 है, मालिश की एफिलरेट तकनीक है, तो यह सहलाने की हस्तकौशल विधि है। मालिश के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्लेलिस्ट में जाइए और मालिश के सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। आप किताब में पढ़ते हैं तो मालिश आपको समझ में नहीं आता होगा, मैंने शॉर्ट में ट्रिक के साथ बताया हुआ है जो हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, कि जब मांसपेशियों की ताकत और ज्वाइंट्स का लचीलापन संतुलन में हो तो हम क्या समझते हैं, तो हम यही समझते हैं कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो सही जगह पे है, तो आपका शरीर की जो मुद्रा है वो सही जगह पे है। क्वेश्चन नंबर 193 है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं, तो यही उच्च नब्ज दर नहीं दोस्तों, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में जो नब्ज दर होता है आराम आराम से धीमा होता है, धीमा स्वास्थ्य लाभ नहीं, तेज स्वास्थ्य लाभ, धीमी चाल नहीं, अधिक चाल होता है, थकावट धीमी होती है। क्या होता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं, धीमी थकावट, वो देर तक काम करेगा, डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, जिसे फिजिकल फिटनेस कहा जाता है, ठीक है। श्वसन देने की आवृत्ति घट जाती है, जैसे कि एक व्यक्ति एक मिनट में 16 से या 12 से 20 बार सांस लेता है, जबकि प्रशिक्षित जो है 8 से 10 बार लेता है। एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में 72 से 80 बार सांस लेता है, जबकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो है 40 से 50 बार भाग लेता है, जबकि एक्सरसाइज करते समय 180 डिग्री तक 180 पर मिनट चला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 194 है, सफल होने के लिए धावक चयन करते हैं। तो सफल होने के लिए जो धावक होते हैं कदम की लंबाई और दर को चयन करते हैं। ठीक है, जो कदम की लंबाई और दर दोनों का उचित प्रयोग करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है, गहन अध्ययन लर्निंग का घटक क्या है। तो दोस्तों जो समय की मांग होती है यानी पर्यावरणीय मांग होती है वही गहन अध्ययन का घटक है। दिए गए विकल्प में वातावरण या पर्यावरणीय संबंधी कारक गहन अध्ययन का अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण संबंधी कारक विभिन्न प्रकार के होते हैं, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक वातावरण। समान अर्थ में कहा जाता है कि मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसके में विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति वैसे ही अवधारणा या बोध विकसित करता है। यह गहन अध्ययन अर्थात अधिगम का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 196 है, अध्यापन की एक विधि है। तो अध्यापन की एक विधि है प्रदर्शन, जिसमें शिक्षक शिक्षण कौशल में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। यह शिक्षक एक प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 197 है कि एक स्कूल के जिले में कई छात्र और परिवार आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और उनकी शैक्षिक और अन्य संसाधनों तक सीमित पहुंच है। एक समन्वित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्न घटकों में से कौन सा छात्रों के इस आबादी को सबसे बड़े लाभ की संभावना प्रदान करता है। दोस्तों ये आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं और जो शैक्षिक शिक्षा संसाधन है सीमित पहुँच है, और एक समन्वित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित घटकों में से इसमें कौन सा इस आबादी को बड़े लाभ पहुंचा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा संगठनों के साथ स्कूल आधारित भागीदारी होना चाहिए, जिससे वो अपने लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 198 है, सारे शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। तो इसमें स्मार्ट सभ्य तो होना ही चाहिए, बट सबसे बेस्ट गुण होता है बेस्ट परफॉर्मर। और उसके अलावा सर शिक्षा में जो है बुद्धिमान या मेधावी होना चाहिए, सहायक, अच्छा निष्पादक, उत्साही, निपुणता, विश्वसनीय, आदर्श चरित्रवान, सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 199 है, खिलाड़ियों के बीच के आपसी मतभेद कम होने का क्या कारण है। जब अच्छी सोच होगी, मेहनत अच्छा करेंगे, निपुणता होगी, ये तीनों चीज़ें निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 200 है कि खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन यह है। तो दोस्तों दृश्य श्रव्य साधन सबसे बेस्ट होता है, जिसमें देखकर सुनकर लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एक कोच का गुण क्या होना चाहिए। दोस्तों एक कोच में आत्मविश्वास होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक प्रशिक्षक अथवा कोच के निम्नलिखित गुण होना चाहिए व्यक्तिगत, जैसे कि मेधावी या बुद्धिमान, सहायक, सहयोगी, विश्वसनीय, आत्मविश्वासी, आदर्श चरित्रवान, सहानुभूति, भरोसे योग्य, सक्रिय, विनोदी, परिपक्व, मैत्रीपूर्ण, सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तर। दोस्तों तो ये था आज के सेशन का 200 क्वेश्चन। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी स्पोर्ट ट्रेनिंग पर होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप दूसरे तक भी शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।